First of all, assalamu alaikum to all of you. My name is Sheikh Faris and you are watching Right Track. So my dear student, आज हम जा रहे हैं इस वीडियो में फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन पढ़ने, क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 4 का, है ना। ये एक पार्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए क्या लिखा है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन और जो आइडिया ऑफ नेशन जो फर्स्ट पर जो आया था कि कैसे किसी देश को बनाया जाए, वो फ्रांस के अंदर से आया था, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म 1789। यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि पहली बार जब कहीं ना किसी देश के अंदर, हिस्ट्री के अंदर पहली बार अगर नेशनलिज्म की फीलिंग या नेशनलिज्म की आइडिया अगर कहीं आया था, तो वो फ्रांस के फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया था, ठीक है। इसीलिए जिसने क्लास 9th पढ़ रखा है बेटा, उसको ये बात पता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हम देखें कि क्लास 9th के अंदर हमने देखा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर मेन चीज जो हुई थी, वो हुई थी कि हिस्ट्री के अंदर पहली बार ऐसा हुआ था कि मोनार्की से जो पावर था सीधा ट्रांसफर कहाँ पे हो गया था, डेमोक्रेटिक में, लोगों के पास चला गया था पावर। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन बोलते हैं, ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देश तो उस टाइम बन चुका था, है ना, फ्रांस एक देश तो बन चुका था, लेकिन अभी भी देश के अंदर कुछ करना बाकी था। वो ये चीज थी, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, मतलब देश तो बन गया था पर लोगों के अंदर अभी ना एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी को डेवलप्ड करना अभी बाकी था, ठीक है। अब वो कैसे होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप्स टेकन फॉर दिस, ना, इस कलेक्टिव आइडेंटिटी के लिए हमने यहाँ पे कुछ स्टेप लिख रखे हैं, ठीक है बेटा। यही सारे स्टेप लिए गए थे ताकि वहाँ के लोगों को ये फील हो कि हाँ, फ्रांस जो है ये हमारा देश है, उससे हमें प्यार करना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें देखें यहाँ पे क्या लिखा है, द आइडिया ऑफ ला पैट्री, ना, द आइडिया ऑफ ला पैट्री फादरलैंड, मतलब लोगों से बोला गया कि ये आपका क्या है, फादरलैंड है एंड लीज यूटाइन, और आप यहाँ के क्या है बेटा, नागरिक हैं, ठीक है। ओके, पॉइंट नंबर 2 हमारा यहाँ क्या लिखा है, न्यू फ्रेंच फ्लैग इंस्टेड ऑफ रॉयल फ्लैग। तो यहाँ पे नया झंडा बनाया गया था रॉयल फ्लैग को रिप्लेस करके, है ना, जो कि ट्राई कलर का था। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि ट्राई कलर में कौन कौन सा कलर था, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली। यहाँ पे क्या हुआ, नेशनल असेंबली भी बनी थी, है ना। उसके बाद देख लेते हैं बेटा क्या लिखा है, न्यू हाइम्स वर कंपोज, ओथ वर टेकन। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नए नए हाइम्स, है ना, एंथम, या फिर हम बोल सकते हैं कि नए नए जो भजन थे उसको क्या किया गया, कंपोज किया गया, एंड ओथ, ओथ का मतलब होता है शपथ लिया गया, है ना। उसके बाद देख लेते हैं क्या लिखा है, अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज सेट अप। एक सेंट्रलाइज्ड, है ना, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सेटअप किया गया, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं क्या लिखा है, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबोलिश। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो जितनी भी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थी और जो ड्यूज थे लोगों का जो बकाया था, वो सबको अबॉलिश, मतलब खत्म कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे यहाँ पे, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाया गया, किसका, वेट एंड मेजर्स का, है ना। एंड नेक्स्ट हमारे यहाँ पे, फ्रेंच वॉज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस। पेरिस के अंदर, है ना, यहाँ की कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस, ना, यहाँ पे ये जो पेरिस हो गया है, कैपिटल है फ्रांस के अंदर, पेरिस के अंदर क्या बोल, किस में लिखा जा रहा था बेटा, बोला भी जा रहा था फ्रांस एंड लिखा भी जा रहा था फ्रांस, है ना। एंड ये सारी चीजें बेटा किसके नेम पे हो रही थी, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, ऑल इन द नेम ऑफ नेशन। ये सारी चीजें ना देश के नाम से हो रही थी, ठीक है। इसी ये तरीके थे बेटा जिससे हमने क्या किया था, सेंस ऑफ कलेक्टिव, है ना, को डेवलप्ड किया था, को बनाया था, है ना बेटा। इस तरीके से हम एग्जाम में लिख करके आना, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम जब 2024 में होंगे, तो यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ दिया करते हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी, है ना, ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी, वो होता है क्या कि फ्रांस से निकल करके, है ना, वो धीरे धीरे पूरे 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 यूरोप के अंदर फैल जाती है। कहाँ फैल जाती है, पूरे पूरे यूरोप के अंदर फैल जाती है ना, जैसे हॉलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड में, है ना, समझे यहाँ पे बेटा। ये जो ये होता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांस के अंदर, लेकिन धीरे धीरे ना ये नेशनलिज्म की जो फीलिंग है ना, जितनी भी फ्रांस की नेबर कंट्रीज है ना, वहां तक धीरे धीरे पहुंच जाता है, पूरे धीरे धीरे फिर यूरोप में फैल जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं उसके बाद क्या लिखा है, और ये सारा चीज कर कौन रहा था, ये सारे नेशनलिज्म को फैला कौन रहा था, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रेंच आर्मीज, कौन, फ्रेंच आर्मीज फैला रही थी ना, बिगन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म एब्रॉड। तो कौन लेके जा रहा था यहाँ पे एब्रॉड में, बाहरी मुल्क में, फ्रेंच की जो आर्मी थी यही लेके जा रही थी, और इनको डील कौन कर रहा था, है ना, हमारा जो यहाँ पे है
कौन है किंग यहाँ पे, नेपोलियन है ना, किंग नहीं कह सकते हैं, डेमोक्रेट बोल सकते हैं यहाँ पे, है ना, नेपोलियन और उनकी आर्मी जो थी वो पूरे यूरोप के अंदर धीरे धीरे जो है फ्रांस से इस आइडिया को पहली बार बाहर लेकर के जाती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। हमारे इंस्टाग्राम की आईडी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप प्लीज़ हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार साइट होता हूँ बेटा, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, हमारी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड सब कुछ करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।